हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो अपना स्किन पॉलिश का फार्मूला है वो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी इस बात की कि आप हमें बताएं स्किन पॉलिश कैसे करती हैं। चांद रात वाले ब्लॉग में जस्ट मैंने एक बात की थी, तो मैंने कहा चले किसी की हेल्प हो जाएगी। सम टाइम होता है, काफ़ी गर्ल्स होती हैं जिनको नहीं पता होता, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आपको ना एक जो है बाउल लेना है, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है, प्लास्टिक का लेना, स्टील वगैरह उसको ना अवॉइड कीजिए। और इसके बाद जो मैं यूज़ करती हूँ ना ब्लीच, वो क्यूने की है। क्यूने की स्किन पॉलिश बड़ी ही ज़बरदस्त है, रिज़ल्ट इनका बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। और ये जो स्टिकिंग पाउडर होता है ना, जिसको आप बोलते हैं कि हेयर्स को जब हम करते हैं ना कलर, तो कट डाउन के लिए भी ये यूज़ होता है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ दोनों चीज़ें लेके आ गए हो तो फ़ायदा है, बिकॉज इसको हम स्किन पॉलिश में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इफ़ यू वांट टू कट डाउन योर हेयर देन कैन आल्सो यूज़ इट। तो जो क्यूने की स्किन पॉलिश है मैं वो यूज़ करूँगी। सबसे पहले इसका जो मैं आपको वॉल्यूम बता दूँ, ये 20% आपने लेना है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू पॉलिश योर फेस और कट डाउन योर हेयर्स ऑन बोथ साइड, यू हैव टू चेक आउट 20% वॉल्यूम। हेयर कलर्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सिखाऊंगी, क्योंकि आपको पता है हम पार्लर्स पे जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं हेयर कलर के ऊपर ना। और ये होता है कि चार्ज तो बंदा चले दे देता है चार्जेस, सॉरी, तो उसमें ये इशू बन जाता है कि हम जो चाहते हैं कलर है वो भी नहीं आता। तो मैं आपको इतनी सिंपल तरीके से ना एक वीडियो में सिखाऊंगी कि आप अपने हेयर को किस तरह कलर कर सकते हैं और सेम वही कलर आएगा। तो अभी खैर स्किन पॉलिश पे आते हैं। और ये इसके बाद जो मैं यूज़ कर रही हूँ सूथिंग लोशन है, ठीक है। मैं आपको ये नीचे इंस्ट्रक्शन जो है ना ये दिखा रही हूँ, इस पर आप देखें, इन्होंने सारा तरीका खुद बताया हुआ है। अगर आपके पास ये है, आपने पढ़ लिया, तो आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं है। देखिए उन्होंने साफ साफ लिखा है, फर्स्ट ट्रीट योर स्किन टू डबल एक्शन क्लींजर। आपने सबसे पहले स्किन को ना क्लींसिंग करनी है, उसके बाद वो कहते हैं देन प्रोसीड, आगे जो बढ़ना है उसमें हमने एवोल्यूशन यूज़ करनी है। 20% सूथिंग लोशन, स्किन शाइनर, ब्लीच पाउडर, इन सब को मिक्स करके ना आपने बनाना है, और लास्ट पर आपने मन मास्क यूज़ करना है। तो हर चीज़ उन्होंने ना सूथिंग लोशन के ना नीचे पूरा उन्होंने अपना फार्मूला लिखा हुआ है, तो यहाँ से पढ़ लें तो ये भी बड़ा ईजी है वैसे ना। तो उसके बाद मैं स्किन शाइनर जो है वो यूज़ करूँगी। इसमें स्किन शाइनर बहुत ज़बरदस्त होता है, इससे स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट और लाइटिंग करती है, तो ये तो मस्ट यूज़ करें। और सूथिंग लोशन के बगैर जो है ना स्किन पॉलिश करना बहुत ज़्यादा ही ना डैमेज कर देती है स्किन को, क्योंकि इसमें टेट्राटी ऑयल होता है ना, तो वो स्किन के लिए बेस्ट होता है। और अरके गुलाब, अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो उसमें अरके गुलाब यूज़ करें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका, आपको पता है। मैं यूज़ करूँगी, मैं ब्लीच आपको सच बता देती हूँ, फिर आप मेरी क्रीम वाली फार्मूला जो मैंने बताया था उसके बाद कहेंगे कि स्किन को ये हो गया वो हो गया। तो ये हकीकत बात है कि ब्लीच का मतलब ही यही होता है कि वो आपकी स्किन को डैमेज करती है। ब्लीचिंग, किसी चीज़ को ब्लीच करना किसी चीज़ की उड़ाना ही बात होती है, लेकिन ये है कि हर इंसान करता है, लेकिन कुछ गर्ल्स होती हैं जो बिल्कुल हर रोज़ स्किन पॉलिश, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। आप यूज़ करेंगी देखेंगे फर्स्ट डे ही आपका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, लेकिन इसको आप हमेशा एक मंथ के बाद इस्तेमाल करें, ठीक है, 2 वीक्स के बाद कर लें, या कहीं आना है जाना है, पार्टी पे जाना है, किसी ने घर आना है, फिर आप यूज़ कर सकती हो। अदरवाइज़ इसको डेली यूज़ बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि ये स्किन के लिए ठीक नहीं होती। और फेस वॉश जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं गार्नियर का मैन वाला यूज़ करती हूँ। आप हंसेंगी कि गर्ल्स वाला प्रोडक्ट छोड़ के मैन वाला यूज़ क्यों करती है। ये मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा सूट है। सूट करने की बात होती है, ये नहीं होती कि कुछ वो है तो वो यूज़ नहीं होगा। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, समर में काफ़ी ऑयली हो जाती है, तो इसको मैं जब लगाती हूँ ना तो बड़ा ज़बरदस्त ऑयल कंट्रोल करता है ये मेरा फेस वॉश। ये मेरा फेवरेट है और इसकी मुझे बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। फ्रेश फ्रेश इससे ना मेरी स्किन हो जाती है, इसलिए मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ। आप भी ट्राई करके देखना, अच्छा रिज़ल्ट है वैसे। और चलिए यहाँ बनाते हैं स्किन पॉलिश, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने उनका सर खा लिया तो मैं अब सबसे पहले जो इसमें है ना वो डिवॉल्पर जो है ना वो ऐड करूँगी। दरअसल मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं लेके आना भूल गई, तो ये मैंने जब क्लींजर लिया था ना इसके पीछे जिसको मैंने ओपन किया ना मुझे एक स्पॉन्ज छोटा सा नज़र आया, मैंने कहा चलो इसको यूज़ कर लेती हूँ, किसी तो काम आ जाएगा, क्लींजिंग के लिए उन्होंने दिया हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसी को ना मैं यूज़ कर लेती हूँ।
तो ये है काफ़ी छोटा, तो आप देख लेना, मैं आपको वैसे बता देती हूँ, आप इसको ना देखें, ये तो मैंने अंदाजे से ऐड किया है। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप एक टेबल स्पून जो है ना आप वो डिवॉल्वर डालेंगी ना क्यूनी का, तो आपने उसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो पाउडर डालना है, ठीक है। उसमें 1 टेबल स्पून आपने सूथिंग लोशन डालना है। स्किन शाइनर जो है ना वो आप मिक्सर को थिकनेस के हिसाब से ऐड करेंगी, और अर्के गुलाब भी आप देख लेना जितना आपको लाइट बनाना है। इसको हमेशा थोड़ा सा लाइट करके बनाना, ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर ना डालें, स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो ये बिल्कुल छोटा स्पून है और आप देख सकते हो चिपक जाता है साथ में, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैंने ज़्यादा डाला, लेकिन नहीं डाला। तो ये देख सकते हो कितना ज़्यादा मेरा ना बना हुआ है मिक्सर, पतला सा ना, थिक नहीं है ये। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है, उसके बाद आपने इसको स्किन पे अप्लाई कर देना है। 15 मिनट तक ना आपने इसको लगा रहना है, ठीक है। 15 मिनट पूरे लगाना है, क्योंकि अगर इससे कम लगाएंगी तो रिज़ल्ट नहीं आता। इसका ये है कि सूथिंग लोशन जो है ना इसमें ऐड किया हुआ है, वो आपको ना इससे आपको जलन फील नहीं होगी, बल्कि जैसे जैसे हवा के नीचे आप बैठेंगी ना तो आपको बड़ा कूल कूल सा फील होगा, स्किन बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हो जाती है सूथिंग लोशन की वजह से ना। तो इसलिए इसको लगा के आप 15 मिनट्स तक तो आपने लाजमी इसको लगाना है, ठीक है। अगर रिजल्ट आपने लेना है तो 15 मिनट लाजमी इसको लगाइएगा। और अर्के गुलाब भी मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे अर्के गुलाब बहुत ज़बरदस्त लगता है, मेरी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं ना तो उनका अगर स्किन डल है तो अर्के गुलाब, ग्लिसरीन, लेमन यूज़ किया करें, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। रात को लगा के सो गया और सुबह उनको, क्योंकि बच्चे सोते हुए तो लगा लेंगे, जाग के वो कभी भी हरकत नहीं करने देते। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त साइज़ का जो बन गया है। तो मैं इसको, ये मैंने फेस के लिए बनाया है, ठीक है। अगर आपने हाथों के लिए बनाना है ना तो ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा ज़्यादा ऐड करना, स्किन सेंसिटिव होती है। तो ये स्किन के लिए बनाया है मैंने, सॉरी फेस के लिए, लेकिन मैं आपको हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ इसको। लेकिन अगर आपने हाथों पर लगाना है तो आपको ना ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर इसमें ऐड करना होगा। के बाद फिर जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसको हम वॉश कर लेंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फेशियल के बारे में भी सिखाऊंगी, लेकिन मैंने जैसे कि कहा है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं हेयर को ना कैसे कट डाउन करते हैं, स्ट्रिकिंग कैसे करते हैं, वो सारा कुछ सिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने में कंजूसी ना किया करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। उसको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।